42 इज हियर, अभिनंदन आपका इस नए वीडियो में। सैलसिलिक एसिड का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना जरूर होगा। लैटिन के सेलिक्स से बना यह तत्व आजकल स्किन केयर मार्केट में धूम मचा रहा है, तो सैलसिलिक एसिड पर ही है यह वीडियो, जिससे आप जानेंगे कि आखिर ये सैलसिलिक एसिड है क्या, हमारी त्वचा पर काम कैसे करता है, सैलसिलिक एसिड के फायदे और नुकसान क्या हैं, और कौन सा सैलसिलिक एसिड प्रोडक्ट हमें खरीदना चाहिए। इसके अलावा बेस्ट सैलसिलिक एसिड सीरम ब्रांड्स किन के हैं जिसे आपको खरीदना चाहिए, साथ ही सैलसिलिक एसिड को किन इंग्रेडिएंट्स के साथ स्किन पर लगाएं और किन के साथ नहीं, और सैलसिलिक एसिड का उपयोग कैसे करें। इसके अलावा सैलसिलिक एसिड से आप कितने दिनों में फायदे की उम्मीद रख सकते हैं, जैसे प्रश्नों के जवाब थोड़ा विस्तार से। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। अब आइए जानते हैं कि आखिर सैलसिलिक एसिड होता क्या है। सैलसिलिक एसिड बीटा हाइड्रोक्सी गिरोह का एक मेंबर है। इसे तेल के साथ दोस्ती करना बहुत पसंद है, इसीलिए ऑयली स्किन वालों का यह परम मित्र है। इसे लैब में भी बनाते हैं, लेकिन नेचुरली भी यह हमें बिलो छाल, स्वीट बर्च और विंटर ग्रीन से मिल जाता है। इसका कई सारी त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे मुहासे, सोरायसिस, मस्से, फंगल संक्रमण और फोटो एजिंग में उपयोग किया जाता है। अगर आप पहली बार सैलसिलिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में 0.5% से शुरुआत कीजिए, और जिन लोगों ने पहले भी सैलसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया है वे 2% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की मात्रा सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट की देख रेख में ही इस्तेमाल की जाती है। अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में कि आखिर सैलसिलिक एसिड हमारी स्किन पर काम कैसे करता है। मैंने पहले ही बताया कि यह तेल में आसानी से घुलकर दो काम करता है। सबसे पहले यह स्किन सेल्स के बीच के बंधन को तोड़कर एक्सफोलिएशन करता है, यानी डेड सेल्स को हटाकर नई सेल्स को ऊपर आने का मौका देता है। इसे विज्ञान में कैरेटोलिटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। और इसका दूसरा काम है कि पोर्स के भीतर गहराई में जाकर पोर्स को खोलना। इससे आपको एक्सेस सीबम से छुटकारा मिलता है और सूजन भी कम होती है। तो जब सीबम कम तो चिपचिप भी कम और एक्ने भी खत्म, क्योंकि मुहासों को पैदा करने वाला माहौल भी खत्म हो जाता है, और इसे कोमेडोलिटिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं कि सैलसिलिक एसिड से फायदे और नुकसान क्या क्या है। सैलसिलिक एसिड के उपयोग से एक्सफोलिएशन होता है, जिससे स्किन स्मूथ और हेल्दी दिखाई पड़ती है, मुहासे खत्म होते हैं, सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल होता है, और जब सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल होगा तो ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी खत्म होंगे। वैसे तो यह एक बहुत ही सेफ इंग्रेडिएंट है, लेकिन कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल के बाद स्किन इरिटेशन, रेडनेस, ड्राइनेस और पीलिंग की समस्या हो सकती है। इसलिए हमेशा इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए धूप में निकलने से पहले टोपी, गमछा, छाते और गॉगल्स का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस्तेमाल करने से पहले एक बार आपको अपने डॉक्टर से भी सलाह ले लेनी चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं कि कौन सा सैलसिलिक एसिड प्रोडक्ट हमें खरीदना चाहिए। आजकल दो प्रमुख सोर्स से बने सैलसिलिक एसिड सीरम्स और फेस वॉश मार्केट में उपलब्ध हैं। पहला है नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। तो सबसे पहले बात नेचुरल सोर्स की कर ली जाए। प्राकृतिक रूप से सैलसिलिक एसिड बिलोबार्क और विंटरग्रीन में मिलता है, लेकिन नेचुरल सोर्स से बने सीरम और फेस वॉश बहुत ही महंगे होते हैं, और इसका जुगाड़ कंपनियों ने निकाला सिंथेटिक सैलसिलिक एसिड बनाकर। लेकिन इसके इस्तेमाल से स्किन में इरिटेशन, रेडनेस और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सिंथेटिक सैलसिलिक एसिड एक साथ ही स्किन पर एक्ट करते हैं। साथ ही सिंथेटिक सैलसिलिक एसिड को बफरिंग की भी जरूरत होती है। ये वे केमिकल्स होते हैं जो सैलसिलिक एसिड को स्टेबल बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। बफरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं। ऐसा ही एक केमिकल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए सिंथेटिक सैलसिलिक एसिड से इरिटेशन, पिगमेंटेशन और सुपरफिशियल पीलिंग तक हो सकती है, पर इससे बने सीरम बहुत ही सस्ते होते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए कई कंपनियों ने इनकैप्सुलेटेड सैलसिलिक एसिड सीरम भी बनाना शुरू कर दिया है। इनकैप्सुलेटेड सैलसिलिक एसिड त्वचा पर स्लो रिलीज होता है,
अब इरिटेशन, रेडनेस और ड्राइनेस की समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन इनकैप्सुलेटेड सैलिसिलिक एसिड बिना टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स खासकर पॉलीसॉर्बेट के बनाया ही नहीं जा सकता और इन्हें भी बफरिंग केमिकल्स की जरूरत होती है। वहीं प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त सैलिसिलिक एसिड को स्टेबलाइज करने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि यह काम ऊपर वाले ने ही कर दिया होता है। तो अगर आपके लिए स्वास्थ्य ही सर्वोच्च है तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए जो बिलो बार्क या विंटरग्रीन से बने हों, यानी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त सैलिसिलिक एसिड से बने हों। इसी के साथ नेचुरल सोर्स से प्राप्त जो सैलिसिलिक एसिड आप इस्तेमाल करते हैं उसमें पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स की एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुणों का भी आपको फ्री में फ़ायदा मिलता है। यानी जब आप ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं तो सिर्फ एक्स्ट्रा सेफ्टी खरीदते हैं, लेकिन अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है तो आपको इनकैप्सुलेटेड की जगह सिंथेटिक सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं बेस्ट सैलिसिलिक एसिड सीरम्स कौन से हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने 55 अलग अलग प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट को एनालाइज करके उनको खराब से अच्छे के क्रम में दो कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी टू में मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स रखे हैं जिनको बनाने के लिए या तो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स जैसे PEG, पॉलीसॉर्बेट, फिनॉक्सीएथेनॉल, TEA, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस, कलर, DMDMH, MIT और CMIT जैसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, या इन प्रोडक्ट्स में से कई प्रोडक्ट ने तो अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट ही डिस्क्लोज नहीं की है। तो आइए अब जानते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। इसमें सबसे पहला नाम है एक्ने स्क्वाड, उसके बाद नंबर आता है एलो एंड मी का, बेपलिन, बेलोरा पेरिस, बी सोलफुल स्किन केयर, ब्लसलिन, बी बॉडी वॉइस, बर्कोविट्स, चार्मिस, चिताच, CGG, CSG, डी कंस्ट्रक्ट, डर्माडॉक, डॉट एंड की, डॉक्टर सेठ, अर्थरिडम, इनहेंस स्किन केयर, एसाबेला, फिक्स डर्मा, फॉक्सटेल, ग्लोबस रेमेडीज, लैक्टोकैलामाइन, लॉर्टिज, मिरर मिरर, मिनमिलिस्टिक, नंदूरबा, नेचर डर्मा, निमेली नेचुरल्स, नियोलेयर, नायका, पिलिग्रिम, प्लम, थिंक डर्मा, प्लोरिक्सर, रिजुश्योर, रेडियंस सीरम, सिरमिक, सिरोना, सेंट बोटैनिका, सुगंधा स्किन केयर, द बॉडी टेम्पल, द डर्मा कोका सैलिसिलिक एसिड, द इंडियर सैलिसिलिक एसिड, द ऑर्डिनरी का सैलिसिलिक एसिड, द ट्रू थेरेपी, ट्राइकॉन, वेंडाइक, विस्तारा, वेनिक्यू, वेलवेल, विश केयर और जिम्बल्स ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें कई सारे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। बस आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। आप ध्यान रखिएगा कि जब सैलिसिलिक एसिड एक्सफोलिएशन करेगा तो सैलिसिलिक एसिड के साथ उनमें मिले टॉक्सिन्स भी आपकी त्वचा की गहराइयों में जाकर ब्लड स्ट्रीम तक थोड़ा जल्दी पहुँचते हैं और इससे नुकसान भी जल्दी होता है क्योंकि जहर शरीर में जल्दी पहुँचेगा। तो इन ब्रांड्स के साथ आपको क्या करना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए बात करते हैं कैटेगरी वन के ब्रांड के बारे में। इस कैटेगरी में मैंने इंडिया के 3 सेफेस्ट ब्रांड रखे हैं जिनका सब्स्टिट्यूट खोज पाना शायद ही संभव हो क्योंकि इनको बनाने के लिए कोई टॉक्सिक केमिकल इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। और इन ब्रांड्स को खरीदने के लिए आप मेरे दिए गए अमेजन लिंक की जगह इन कंपनियों की वेबसाइट का इस्तेमाल करिएगा। ऐसा करके आप इन कंपनियों की बहुत मदद करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं नंबर 3 के ब्रांड की, जो है अंडररेटेड का सैलिसिलिक एसिड सीरम। यह एक सिंथेटिक सैलिसिलिक एसिड सीरम तो है, अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है तो आपके लिए यह प्रोडक्ट है। इसमें सैलिसिलिक एसिड की ड्राइनेस को कम करने के लिए बिटाइन 3% का उपयोग किया गया है, साथ ही हॉर्सटेल और विच हेजल एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल किया गया है जो एक्ने, रेडनेस और इरिटेशन को कम करने का काम करते हैं। अब आइए बात करते हैं 2 नेचुरल सोर्स वाले सैलिसिलिक एसिड सीरम ब्रांड की। दोनों एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं कि इनमें फर्क कर पाना नामुमकिन है। आपको जो पसंद आए वो आप खरीद लीजिएगा, दोनों में आपको एक समान ही फायदा मिलेगा। तो नंबर 2 पर मैंने रखा है बायोक्यूल के नो मोर एंटी एक्ने सीरम को। इस प्रोडक्ट में सैलिसिलिक एसिड बिलो बार्क से लिया गया है। इसके साथ ही इसमें 7 एक्टिव्स जैसे सोयाबीन, पियर जूस, अमरबार्क, नीम और नेचुरल हेलोरोनिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है। इस सीरम के उपयोग से आपको 5 अलग अलग फायदे होते हैं। पहला है एक्सेस सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल होगा, दूसरा यह सीरम स्किन को एक्सफोलिएट करके पोर्स को खोलेगा, और तीसरा फायदा है कि एक्ने पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारेगा,
और चौथा फायदा है कि रेडनेस, इरिटेशन और सूजन को यह सीरम खत्म करेगा। और इसका पांचवा सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें मिले एंटीऑक्सीडेंट त्वचा पर बने निशान को कम करेंगे। एक्सट्रीम ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए यह एक वरदान है। अब आइए बात करते हैं नंबर वन के ब्रांड की, जो है ब्रिलेयर 2% सैलसैलिक एसिड सीरम। इस प्रोडक्ट में सैलसैलिक एसिड विंटर ग्रीन लीफ से लिया गया है और इस सीरम को भी मैंने 5 कारणों से नंबर वन की पोजीशन दी है। पहला, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट जितनी मात्रा में उपयोग किए गए हैं कंपनी ने साफ साफ इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिख रखा है। इससे क्लियर इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको हिंदुस्तान में किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगी। दूसरा है कि विंटर ग्रीन लीफ से बना यह एकमात्र क्लीन सैलसैलिक एसिड सीरम ब्रांड है। और इसकी तीसरी अच्छाई है कि इसमें पानी की जगह एलोवेरा जूस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे एलोवेरा की सभी खूबियां स्किन को मिलती हैं। और इसका चौथा फायदा है कि वेजिटेबल जिंक, लैक्टोबैसिलस, सुगर केन डिराइव मॉइस्चराइजर से स्किन को प्रोबायोटिक्स और एंटीऑक्सीडेंट का भी फायदा मिलता है। पांचवा और अंतिम फायदा है कि इसके उपयोग से रेडनेस, इरिटेशन, एक्सफोलिएशन और सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल होता है, परिणाम स्वरूप एक्ने भी कम होते हैं। अब आइए बात करते हैं सैलसैलिक एसिड को किन इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहिए और किन के साथ अवॉइड करना चाहिए। सैलसैलिक एसिड के साथ आप हेलोरोनिक एसिड, नियासिनामाइड, विटामिन सी, लो परसेंटेज में AHA जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड और मैंडलिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि रेटिनॉल के अलग अलग डेरिवेटिव्स के साथ आपको सैलसैलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि सैलसैलिक एसिड का हमें उपयोग कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्लेंजिंग करना है। शुरू में आपको अपने चेहरे को सैलसैलिक एसिड क्लेंजर से धोकर चेहरा साफ करना चाहिए और तेल को हटाना चाहिए। पर ध्यान रखिएगा कि फेस वॉश दिन में 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद आपको टोनर लगाना है। उसके बाद आपको अपने चेहरे पर सैलसैलिक एसिड सीरम लगाना है। अपनी उंगलियों पर सीरम की कुछ बूंदें डालें, अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। सीरम को अपनी त्वचा पर हल्के से मसाज करें, थपथपाएं और एब्जॉर्ब होने दें। एब्जॉर्ब होने के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। एक बार जब सीरम पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया तो अगर आपको अपने चेहरे पर ड्राइनेस महसूस होती है तो आपको हेलोरोनिक एसिड या एलोवेरा जेल लगाना है। इससे मिलेगा हाइड्रेशन, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन तो आपको भगवान ने ही दे रखा है। इसके अलावा आपको एक सावधानी भी रखनी है कि धूप से बचना है। दरअसल सैलसैलिक एसिड आपकी त्वचा को सूरज की किरणों से थोड़ा अधिक संवेदनशील बना देता है, इसलिए त्वचा को सूरज की तेज किरणों से आपको बचा कर रखना है। धूप में निकलने से पहले अपने चेहरे को धूप से आपको अवश्य बचाना चाहिए और इसके लिए आप दुपट्टा, गमछा, छाते, चश्मे या कैप का उपयोग कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं एक यक्ष प्रश्न की कि सैलसैलिक एसिड से आपको एक्ने में कितने दिनों में फायदा होगा। अगर किसी भी ब्रांड के सैलसैलिक एसिड के इस्तेमाल के 3 से 4 हफ्तों में आपको विजुअल फर्क नहीं आता तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आपको दूसरा ब्रांड इस्तेमाल करना चाहिए या स्किन केयर स्पेशलिस्ट से परामर्श करना चाहिए। आज एक्ने के जो भी इलाज के तरीके उपलब्ध हैं उनमें सैलसैलिक एसिड के इस्तेमाल से 55% तक का फायदा मरीजों को होता है, जो कि एक बहुत अच्छा परसेंटेज है। आपकी जानकारी के लिए सभी उपलब्ध इलाज के तरीकों और फायदों को हम स्क्रीन पर लिख रहे हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।